हेलो टेंथ क्लास, मैं अभिषेक सर। सब कुछ पढ़ो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पेपर का टाइम काफ़ी नज़दीक आ रहा है और आज मैं ट्रिग्नोमेट्री जो टेंथ क्लास का आपका चैप्टर है उसके कुछ क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूँगा। पूरा का पूरा कंटेंट अगर आप ट्रिग्नोमेट्री का पढ़ना चाहते हो, एनसीईआरटी से लेकर एग्जाम्पलर से लेकर हॉट से लेकर बेसिक हो या एडवांस हो, तो आपको वो मेरे ऐप जिसका नाम हमारा सब कुछ पढ़ो है, आप प्ले स्टोर में जाओ बच्चों और वहाँ बिना गैप के सब कुछ पढ़ो आप टाइप करो, सबसे ऊपर आएगा। आप इसको डाउनलोड कर लो और आप जो नीचे नंबर देख रहे हो, इस नंबर पर दिए गए नंबर पर अपना नाम, स्टेट और ईमेल आईडी अगर आप मुझे सेंड करते हो, तो आप मेरे ऐप पे जाने के बाद किसी भी क्लास के किसी भी कंटेंट को देख पाओगे। जब तक आपका ईमेल आईडी मेरे पास नहीं होगा, आप कंटेंट नहीं देख पाओगे। तो वैसे बच्चे जो इंटरेस्टेड हैं टेंथ क्लास के हर एक चैप्टर के वीडियो के लिए, तो प्लीज़ मेरे ऐप को डाउनलोड करो और चैनल को भी आप सब्सक्राइब करो जिसका नाम सब कुछ पढ़ो ही है। इस पर टाइम टू टाइम आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं जानते हो। जहाँ कहीं भी आप क्लास ले रहे हो इंडिया में, वहाँ आपका ये चैप्टर अभी तक कम्प्लीट हो चुका होगा। तो मान लीजिए हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है बच्चों, टैन थीटा की वैल्यू दे रखी है। टैन थीटा दिया हुआ है हमारे पास ए अपॉन बी, टैन थीटा दिया हुआ है ए अपॉन बी, और क्या फाइंड करना है? तो बच्चों फाइंड करना है ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा अपॉन ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आप लोगों को आता है। बहुत सारे बच्चे इसको बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक बच्चा बोलेगा सर टेन थीटा हमारे पास ए अपॉन बी दिया हुआ है। बिल्कुल दिया हुआ है जी। आप इसको कंपेयर कर लो, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है पी अपॉन बी, तो यहाँ से पी हो जाएगा हमारा ए, बी हो जाएगा हमारा बी, ठीक है ना। और यहाँ से आप एच निकाल सकते हो पाइथागोरस से। बिल्कुल ये ट्रेडिशनल मेथड है जो कि आप जानते हो, लेकिन बच्चों इसमें हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। तो मेरा सजेशन होगा इस क्वेश्चन को आप परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस के फॉर्मूले को यूज करके ना सॉल्व करें। मैं देख रहा हूँ क्या मेरे पास टैन थीटा की वैल्यू दे रखी है और जो फाइंड करना है उसके अंदर कहीं भी आपका टैन थीटा नहीं दिया है बच्चों। तो ऐसा मैं क्या करूँ जो फाइंड करना है वो हमारा टैन थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए? तो मैं देख रहा हूँ मेरे पास न्यूमरेटर के अंदर साइन और कॉस है, न्यूमरेटर के अंदर साइन और कॉस है, डिनोमिनेटर में भी साइन और कॉस है। अगर मैं कुछ यहाँ ऐसा करूँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैं डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैं कॉस थीटा से डिवाइड कर दूँ, तो पूरे क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो काम मैं ऊपर कर रहा हूँ वही काम मैं नीचे कर रहा हूँ। सपोज अपने पास लिखा हुआ है 5/7, आप इसको 2 और 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब अगर आप लिखते हो 5/2 और 7/2, तो वापस ये कैंसिल होकर हमारा 5/7 ही रह जाता है। तो कॉस से मैं ऊपर भी डिवाइड कर रहा हूँ, कॉस से नीचे भी डिवाइड कर रहा हूँ बच्चों। तो ऊपर था हमारा पास ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, मैंने न्यूमरेटर को डिवाइड कर दिया जी कॉस थीटा से। वापस डिनोमिनेटर था हमारे पास ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, मैं इसको भी डिवाइड कर दे रहा हूँ कॉस थीटा से। आप देख पा रहे हो ये कॉस और कॉस हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो इस एक्सप्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आइए इसको डिवाइड करते हैं, बहुत ही आसान है ये डिवाइड करना। तो कैसे डिवाइड करना है? डिवाइड करना है बिल्कुल सेपरेट करो, ए साइन थीटा के नीचे बच्चों ले आओ कॉस थीटा, माइनस बी कॉस थीटा के नीचे भी प्यारे बच्चों आप ले आओ कॉस थीटा, होल अपॉन नीचे हमारे पास ए साइन थीटा था इसके नीचे भी ले आया कॉस थीटा, और ये हमारे पास बी कॉस थीटा था इसके नीचे भी ले आया कॉस थीटा। कुछ नहीं किया, टर्म्स को अलग अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया। अब आप देख रहे हो कुछ टर्म्स आपके कैंसिल हो रहे हैं, कॉस और कॉस हमारा कैंसिल होगा, यहाँ भी कॉस और कॉस हमारा कैंसिल होगा। और आगे मैं चलता हूँ तो आगे क्या मिलेगा हम लोगों के पास? आगे मिलेगा बच्चों साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, आपको पता है टेन थीटा होता है, और यहाँ भी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हमारा टेन थीटा हो जाएगा। ये कुछ इस तरह का हो गया हमारा ए टाइम्स ऑफ टेन थीटा माइनस बी कॉस, और कॉस कैंसिल हो चुका है यहाँ, और नीचे हो जाएगा प्यारे बच्चों ए टेन थीटा और वापस प्लस बी। कुछ नहीं करना है,
आपके पास टेन थीटा की वैल्यू दे रखी है, और टेन थीटा क्या दे रखा है, यहाँ देखो बच्चों, टेन थीटा हमारे पास दे रखा है जी a अपॉन बी, टेन थीटा दे रखा है a अपॉन बी, जहाँ जहाँ मुझे टेन थीटा दिख रहा होगा वहाँ वहाँ मैं a अपॉन बी यूज कर लूँगा। यहाँ टेन थीटा दिखा, मतलब आप यहाँ लिखो a अपॉन बी, वापस डिनोमिनेटर में आप देख रहे हो यहाँ टेन थीटा दिख रहा है, यहाँ आप यूज कर लो a अपॉन बी, और हमारे पास प्लस है, मतलब प्लस है। चलिए a इंटू ए, ये हो गया प्यारे बच्चों हमारा ए स्क्वायर अपॉन बी माइनस बी होल अपॉन ए इंटू ए, ए स्क्वायर अपॉन बी प्लस बी, कुछ नहीं। अब आपको एलसीएम लेना है, तो ये हो जाएगा हमारा एलसीएम, यहाँ हो जाएगा प्यारे बच्चों बी, और ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन, यहाँ भी एलसीएम हो गया बी, ये हो गया हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी और बी हमारा कैंसिल और आपका फाइनल आंसर हो गया प्यारे बच्चों, आंसर हो गया हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका आंसर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, जिस तरीके से आप इसको सॉल्व करते आए हो थोड़ा सा उससे अलग हटकर सोचो, और ये एक ऐसा चैप्टर है प्यारे बच्चों, जिस बच्चों को, वैसे बच्चे जिनको ट्रिग्नोमेट्री का सारा फॉर्मूला याद रहेगा वो इस चैप्टर में बहुत ही अच्छा कर पाते हैं। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ट्रिग्नोमेट्री की जो भी आइडेंटिटी है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंगल सब कुछ आपको याद बिल्कुल रटा होना चाहिए, उसमें आपका पेन रुकना नहीं चाहिए। एक और क्वेश्चन मैं देखता हूँ, थोड़ा सा एनसीईआरटी की तरह ही है, बट एनसीईआरटी के अंदर जो है वो दो एंगल की बात करता है, बट मैं यहाँ तीन एंगल की बात करूँगा। बोला गया है इन अ ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल हमारा एबीसी है जिसके अंदर साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस सी, इसकी वैल्यू दे रखी है 1/2, साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस सी हमारा 1/2 दिया हुआ है, एंड कॉस ऑफ बी प्लस सी माइनस ए प्यारे बच्चों दिया हुआ है ये 1/√2। आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। यहाँ मैं तीन तीन एंगल को दिखा रहा हूँ आपके पास, इससे पहले आप दो एंगल वाले कर चुके हो, सपोज साइन ए प्लस बी कुछ दिया होता था, कॉस ए माइनस बी कुछ दिया होता था, और आप वहाँ से ए और बी की वैल्यू को फाइंड करते थे। फिलहाल मैं यहाँ तीन एंगल की बात कर रहा हूँ, और इस तीन एंगल पे हम लोग काम करेंगे, ये कैसे होता है ये देखते हैं। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है, घबराना नहीं है। सबसे पहली बात, आप इस बात को दिमाग में डालो, अगर तीन एंगल निकालना है, तीन चीज़ की वैल्यू निकालनी है, तो तीन इक्वेशन होने चाहिए, जबकि मेरे पास दो ही इक्वेशन है, तो ये तीसरा इक्वेशन कहाँ से आएगा। तो एक हिंट दे रहा है ट्रायंगल एबीसी, यानी ट्रायंगल एबीसी है मतलब यहाँ एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी तीनों का सम 180 है। एक इक्वेशन आप यहाँ से फाइंड करोगे, दूसरा यहाँ से फाइंड होगा, तीसरा ट्रायंगल एबीसी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी हमारा 180 होता है, तीसरा आप वहाँ से फाइंड करोगे, और बाय मेथड ऑफ एलिमिनेशन ए बी और सी की वैल्यू को हम लोग फाइंड कर पाएंगे। तो आइए, सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस सी, ये हमारा दिया हुआ है 1/2 के। ऐसे क्वेश्चन को जहाँ लेफ्ट हैंड साइड में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो, साइन हो, कॉस हो, राइट हैंड साइड में उसकी वैल्यू हो, अगर साइन है तो आपको साइन ही सोचना है, कॉस है लेफ्ट में, कॉस सोचना है राइट में। तो अगर मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में प्यारे बच्चों साइन है, तो मुझे राइट हैंड साइड में भी सोचना होगा साइन में किसकी वैल्यू 1/2 होती है। ये आप लोग जानते हो, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, ये आप लोग जानते हो। और अगर दोनों साइड हमारा साइन है तो ये कैंसिल हो जाएगा प्यारे बच्चों, और ये हो जाएगा हमारा a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1। एक काम किया, अब मैं चलता हूँ दूसरे जो कंडीशन दिए हुए हैं, क्या दिए हुए, कॉस ऑफ बी प्लस सी माइनस ए, ये हमारा 1/√2 है, इसको मैं लिखने जा रहा हूँ कॉस ऑफ, क्या लिखा हुआ है मेरे पास लिखा हुआ है जी कॉस ऑफ बी प्लस सी माइनस ए, जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1/√2। और यहाँ से अगर लेफ्ट में हमारा कॉस है तो राइट में भी आपको कॉस लाना है, अभी बता चुका हूँ। तो यहाँ कॉस में 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, तो 45 की, यहाँ से कॉस और कॉस कैंसिल, बी प्लस सी माइनस ए हो गया बच्चों हमारा 45 डिग्री के इक्वल, ये दो इक्वेशन आपको मिल गए। फाइनली हम लोगों को फाइंड करना है ए बी और सी। अब देखो क्या करते हैं, ये दो ही मिला, और तीसरा अगर ट्रायंगल की बात कर रहा है तो आप अपने मन से बोल सकते हो इन एनी ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो होगा वो हमारा 180 डिग्री के इक्वल होगा। यहाँ आप एंगल लिख लो, ठीक है,
ये सारा एंगल है हमारा, एंगल ए प्लस बी, एंगल ए माइनस बी, जो भी देख रहे हो। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करते हैं मेरी बात को आप समझना। अगर मैं थर्ड वाले से एंगल ए फाइंड कर लूँ, थर्ड वाले से एंगल ए फाइंड कर लूँ और दोनों को फर्स्ट और सेकेंड में डाल दूँ एक ही जगह पर, तो मेरा बी और सी के टर्म में इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप ये बताओ, थर्ड वाले से एंगल ए अगर मैं पूछूं आपको, तो एंगल ए की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री माइनस एंगल बी माइनस एंगल सी। ये थर्ड वाले इक्वेशन जो आप सामने देख रहे हो, यहाँ से मैंने निकाल लिया। अब कुछ नहीं करना है, इस वाले एंगल ए की वैल्यू यहाँ डाल दो सेकेंड के अंदर, और उसी वाले ए की वैल्यू आप डाल दो फर्स्ट के अंदर, जहाँ जहाँ एंगल है। फर्स्ट हमारा क्या है, एंगल ए प्लस एंगल बी माइनस एंगल सी। फर्स्ट हमारा क्या है, फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन हमारा एंगल ए प्लस एंगल बी माइनस एंगल सी इज इक्वल टू 30 डिग्री, और यहाँ आपने एंगल ए की वैल्यू डाल देनी है, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल बी माइनस एंगल सी। ये वाला पूरा का पूरा मैं यहाँ लिखा एंगल ए की जगह पर, और आगे है मेरे पास प्लस एंगल बी माइनस एंगल सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। कुछ कैंसिल हो रहा है, आप कैंसिल कर लो, बी भी कैंसिल, एंगल सी टू एंगल सी। तो मैं 180 माइनस 30 को राइट से लेफ्ट में लाता हूँ, और ये एंगल सी 2 माइनस में था, राइट में हो गया 2 टाइम्स ऑफ एंगल सी। ये हो गया प्यारे बच्चों हमारा 150 डिग्री अपॉन 2 इज एंगल सी, और यहाँ से आपने एंगल सी फाइंड कर लिया 75 डिग्री। चलो एंगल सी तो हमारा फाइंड हो गया, बहुत अच्छी बात है। अब एंगल सी अगर हमारा फाइंड हो गया, वापस मैं चल रहा हूँ इक्वेशन सेकेंड में, जहाँ मुझे ए की वैल्यू को डालनी है। फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन क्या है बच्चों हमारा, तो सेकेंड इक्वेशन हमारा एंगल बी प्लस एंगल सी माइनस एंगल ए हमारा 45 डिग्री के इक्वल है। और फिर पहले की तरह इक्वेशन थर्ड से जो आपने एंगल ए निकाला है 180 माइनस बी माइनस सी, इसको यहाँ डाल दो, 180 माइनस बी माइनस सी, माइनस का साइन है, ब्रैकेट डाल दो 180 माइनस बी माइनस सी। जब भी माइनस का साइन हो आप ब्रैकेट लगा दो, गलतियां आपसे ना के बराबर होंगी, ना के बराबर क्या, गलतियां आपसे होंगी ही नहीं। ये माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ये आ गया हमारा 45 डिग्री। और यहां से देखो एंगल बी और एंगल बी, ट्वाइस ऑफ एंगल बी, और एंगल सी ट्वाइस ऑफ एंगल सी, और एंगल सी अभी आपने फाइंड किया था 75 डिग्री, तो इसको डाल दो ट्वाइस ऑफ 75 डिग्री माइनस 180 डिग्री इज इक्वल टू 45 डिग्री। देखो बच्चों यहाँ से क्या हो गया हमारा, ये हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल बी प्लस 150 माइनस 180 माइनस 30, और माइनस 30 अगर हमारा राइट में जाएगा तो प्लस 30, और प्लस 30 प्लस 45 ये आ गया हमारा 75 डिग्री। और यहाँ से आपका आ जाएगा एंगल बी, एंगल बी आ जाएगा बच्चों हमारा 75 अपॉन 2, ये आ गया 37.5 डिग्री, ये आ गया एंगल बी। और एंगल बी निकल चुका है आपका, एंगल सी निकल चुका है, और आपके पास एक इक्वेशन थर्ड था एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से आप एंगल ए फाइंड कर सकते हो, एंगल बी आया था मेरे पास 37.5 डिग्री, डाल दिया, एंगल सी हमारे पास था 75 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ से आप एंगल ए हो जाएगा 180 माइनस 75 और 37 112.5 डिग्री, 112.5 डिग्री, और अब माइनस करोगे बच्चों ये हो जाएगा 67.5 डिग्री। तो तीनों के तीनों एंगल का वैल्यू आपने फाइंड कर लिया। फाइनली आप लिखोगे एंगल ए इज 67.5 डिग्री, एंगल बी इज 37.5 डिग्री, एंड एंगल सी इज 75 डिग्री। आप चेक कर सकते हो इन तीनों का सम हमेशा 180 ही आएगा, क्लियर? क्योंकि ये आप चेक इसको अगर आप क्या कहते हैं सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 105 डिग्री, और 105 प्लस 75 180 डिग्री। तो बच्चों ये तो एक छोटा सा मैंने आपको झलक दिया 10th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री का। ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे वीडियो मेरे यूट्यूब पर आते रहेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पूरे कंटेंट को अच्छे से समझने के लिए चाहे वो बेसिक वाले बच्चे हों या एडवांस वाले बच्चे हों, वो मेरे प्ले स्टोर से, वो आप प्ले स्टोर से मेरे सब कुछ पढ़ो ऐप को डाउनलोड करो, और प्लीज़ मुझे अपना ईमेल आईडी और स्टेट और नाम, आप जहाँ से भी बात कर रहे हैं वो मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैसेज कीजिए, कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको मेरे सारे कंटेंट ऐप पे दिखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।